तो गाइस मनी इन द बैंक एक दिन पे मतलब 3 जुलाई को होने वाला है और हमें इंडिया में ये 4 जुलाई के मंडे मॉर्निंग को देखने मिलेगा। और सारे मैचेस भी WWE ऑफिशियल्स ने अनाउंस कर दिए हैं और मैचेस के ऑड्स भी आ चुके हैं, तो क्यों ना मैच का एक प्रेडिक्शन वीडियो ही बना ले और बैटिंग ऑड्स के हिसाब से इस मैच में किसका पलड़ा भारी है वो भी इस वीडियो में देख लेते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल रेसलिंग केज। WWE ऑफिशियल्स ने टोटल 6 मैचेस को अनाउंस किया, उसमें से 4 मैचेस में टाइटल डिपेंड होने वाला है। और इस शो में भी WWE ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए कोई मैच अनाउंस नहीं किया है और रोमन रेंस भी समर स्लैम में ही आने वाले हैं अपना टाइटल डिपेंड करने। तो 2 टाइटल मैच इस शो में हमें दिखने नहीं मिलेंगे। खैर देखते हैं मैच कौन से और उनके ऑड्स क्या चल रहे हैं। जो फर्स्ट मैच है वो बियंका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला का होने वाला है फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। इन दोनों के मैच के पहले WWE के प्लान कुछ और थे, बट रिया रिपली इंजर्ड हो गई और ये मैच को प्लान करना पड़ा। बट इस मैच के ओड्स भी वन साइड ही है, जहाँ बियंका ब्लेयर के ओड्स -1400 पे चल रहे हैं, वहीं कार्मेला के ओड्स +550 पे चल रहे हैं और क्लियरली बियंका इस मैच को विन कर जाएंगे। जो सेकंड मैच है वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रोंडा राउज़ वर्सेस नटाले के बीच में है। WWE ने नटाले को इस मैच में डालने से बेहतर रकुल रोड्रिग्स को इस मैच में डालते तो थोड़ा मैच इंटरेस्टिंग होता। मुझे नहीं लगता नटाले रोंडा राउज़ी के सामने 5 मिनट तक भी टिक पाएगी। और इनका ओड्स भी वन साइड ही चल रहा है, जहाँ रोंडा राउज़ी का ओड्स -1400 पे चल रहा है, वहीं नटाले का ओड्स +550 पे चल रहा है और नो डाउट कि ये मैच रोंडा राउज़ी ही जीतेंगे। जो थर्ड मैच होने वाला है वो मुझे रियल स्किप करना है। जब से रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हुआ और रिडल सिंगल में फाइट किए जा रहे हैं, तब से हर एक रॉ एंड स्मैकडाउन के शो में द उसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच किया जा रहा है और कोई टैग टीम ही नहीं है जो उसोस को चैलेंज कर सके। पता नहीं WWE अब और टैग टीम्स को बिल्ड करेंगे और टैग टीम मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएगी। अभी तो वाइकिंग राइडर्स भी है, उन्हें थोड़ा पूछ दो नहीं, बट इन्हें तो यही मैच बनाने में इंटरेस्ट है। खैर ऑड्स देखते हैं, उसोस का ओड्स -1400 पे चल रहा है, वही स्ट्रीट प्रॉफिट का ओड्स +250 पे चल रहा है और क्लियरली उसोस इस मैच को विन कर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट मैच है वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, और काफ़ी अच्छी बात है कि थेरी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़े शो में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच को WWE प्लान तो कर रही है और ये मैच बॉबी लैशली और मिस्टर मिकमैन के लाडले थ्योरी के बीच में है, और WWE का थ्योरी और जॉन सीना का मैच समर स्लैम के लिए बिल्ड भी करना। मुझे नहीं लगता थ्योरी इस मैच को हारेंगे और कुछ ना कुछ चीटिंग करके इस मैच को विन कर ही जाएंगे। और ऑड्स भी वैसे ही चल रहे हैं, जहाँ थ्योरी का ऑड्स -200 पे चल रहा है, वही बॉबी लैशली का ऑड्स +140 पे चल रहा है, तो थ्योरी अपना टाइटल सेव कर ही जाएंगे। तो 5th और 6th मैच होने वाला है वो वुमेंस मनी इन द बैंक एंड मैंस मनी इन द बैंक के लिए होने वाला है। वुमेंस मनी इन द बैंक में अलेक्सा ब्लेस, आस्का, बेकी लिंच, लेसी एवन, लिव मॉर्गन, रकुल रॉड्रिगस एंड शॉर्ट्सी फ्यूचर है। और वही मैंस मनी इन द बैंक के लिए ड्रू मैकइंटायर, ओमोस, रिडल, सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस, मैडकैप मॉस एंड शेमस फ्यूचर है। इन दोनों मैच के अभी तक ऑड्स रिवील नहीं हुए और वही वुमेंस मनी इन द बैंक में कौन विनर होगा इसका भी कुछ पता नहीं चला है। बट मैंस मनी इन द बैंक के लिए काफ़ी दिनों से एक रूमर चल रहा है कि सेथ रॉलिंस ही विन कर जाएंगे। अभी विनर्स तो हमें इवेंट खत्म होने के बाद ही पता चलेंगे। अब देखते हैं WWE स्टोरी लाइन कैसे बिल्ड करती है और मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। कम्युनिटी ऐप में तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है आपका, बट वीडियो पर नहीं। खैर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।